हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आपके सामने आज जो प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये बहुत यूजेबल प्रोडक्ट है। सबको ये यूज़ करते हैं, सबको इसके बारे में पता है। जो भी डिटर्जेंट इंडस्ट्री या क्लीनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और इस ये लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये उपयोगी प्रोडक्ट है और बल्क में यूज़ होता है, सबको पता है इसके बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ये है एसिड स्लरी। ये डार्क ब्राउन कलर की आती है ये जो प्रोडक्ट है। और आप ये देखेंगे इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 2.5 से 2.7 के बीच में वेरी करती है। ये एसिडिक इन नेचर होती है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपका फोमिंग एंड क्लीनिंग करता है। लेकिन इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है इस समय मार्केट में। हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 1974 से, तो आपको हमारे यहाँ से एक अच्छी एसेट स्टडी मिल जाएगी। और इसकी जो परसेंटेज रहती है वो हमेशा जो हम लोग रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, वो है लगभग 90% की। तो आपको ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो रेट है कानपुर में, आपको हमारे यहाँ से बहुत कॉम्पिटिटिव मिलेगा, दूसरों से सस्ता मिलेगा। और ये आप जितना भी बल्क में चाहेंगे हमारे यहाँ से मिल जाएगा। ये डिटर्जेंट पाउडर में डलने वाला बहुत ही अच्छा आइटम है और लिक्विड सोप में और लिक्विड डिटर्जेंट में भी ये डलता है। ये आपकी फोमिंग एंड क्लीनिंग के काम आता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए होता है सोडा ऐश। ये देखिए, हमने एक छोटे से कंटेनर में ले रखा है सोडा ऐश। ये भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा सोडा ऐश। ये हम लोग अलग अलग कंपनियों की डीलिंग इसके में करते हैं। इसमें आपको टाटा का भी मिल जाएगा, इसमें आपको घड़ी का भी मिल जाएगा, निर्मा का भी मिल जाएगा, गुजरात का भी मिल जाएगा। तो आपको ये भी प्रोडक्ट मेरे यहाँ से मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें देखिए स्लरी में सोडा डाल के वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। इन दोनों को रिएक्शन होता है। स्लरी क्या करता है कि एसिडिक होता है, सोडा जो है न्यूट्रल वाला आप स्लरी बेसिक होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्लरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडा लिया जाता है। एक किलो स्लरी में लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना आप सोडा डाल सकते हो न्यूट्रलाइज करने के लिए। वॉशिंग पाउडर या कोई भी क्लीनिंग आइटम है, जनरली उसकी जो पीएच वैल्यू होती है, जैसे लिक्विड डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है लगभग लगभग हमको 9 से 10 के आसपास रखते हैं हम लोग, ताकि ये अच्छी क्लीनिंग करें। तो स्लरी जो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 2.7, जैसा मैंने आपको बताया लगभग। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है सोडे की लगभग 11.78 के आसपास रहती है। तो इसको इसलिए 3 गुना लिया जाता है कि ऐसे स्लरी को न्यूट्रलाइज करके इसकी पीएच वैल्यू को 9 से 10 के बीच में लाया जा सके। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, मैं आपको अभी बिल्कुल करके दिखाता हूँ कि ये दोनों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। और इसमें आप बहुत सारे अलग अलग भी आइटम डाल सकते हैं। इसमें आप कास्टिक भी डाल सकते हैं, कास्टिक को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डालना चाहिए। इसके बाद इसमें आप सोडियम मेटासिलिकेट डाल सकते हैं, TSP डाल सकते हैं, पॉलीमर डाल सकते हैं, बहुत सारे आइटम आप डाल के वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं। जनरली लोग 10 से 11 आइटम डाल के वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। ये बहुत सारे लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आइटम बहुत कॉमन और बहुत फेमस आइटम है, ये सब जगह मिल जाता है। लेकिन आपको ये हमारे यहाँ से, अगर कानपुर से आप लेंगे, अगर कानपुर के नियर अबाउट हैं तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके रेट आपको बहुत कॉम्पिटिटिव मिल जाएंगे और परसेंटेज आपको पूरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि इसकी परसेंटेज देख के लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं पर इसकी 90% तक परसेंटेज होती नहीं है। अलग अलग शहरों में वेरी कर सकती है इसकी परसेंटेज, लेकिन हम लोग इसलिए इसको 90% देते हैं क्योंकि बिकॉज़ हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, बहुत सालों से बना रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास प्लांट लगा है तो हमारे यहाँ ये भी बनती है। अब ये तो वीडियो हमने इसके बारे में बनाया, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा आगे के प्रोडक्ट्स हम लोग ला चुके हैं, उनके भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर है। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज़ हम लोग रोज़ सुबह एक नया वीडियो लेके आते हैं जिसमें एक नई बात बताते हैं। 9 बजे तक मेरा एक वीडियो आ जाता है, तो ध्यान से इस पर बने रहिएगा। आइए इसको हम लोग जल्दी से न्यूट्रलाइज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये न्यूट्रलाइज होता है। हम कैमरे को इस पर देखिए फोकस कर लेते हैं। देखिए ये डब्बा है, इसमें सिर्फ हमने अभी सोडा लिया हुआ है। सोडा बहुत हल्का वाइट कलर का होता है और इसमें हम लोग अभी थोड़ी सी एसिड स्लरी डाल के आपको दिखाएंगे कि कैसे न्यूट्रलाइज हो जाती है। जैसे हम सोडे में स्लरी डालेंगे, देखिए इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये दोनों कितना फूल के देखिएगा। अभी हमने उसको नाप तौल के नहीं डाला, थोड़ा ही डाला आपको दिखाने के लिए। लेकिन अभी देखिएगा कि जैसे ही सोडे में स्लरी जाती है ये बिल्कुल हल्का पाउडर बन जाता है, बहुत लाइट बन जाता है। स्लरी को सोडा फुला देता है और ये देखिए बिल्कुल लाइट बन गया, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। और ये गर्म भी रहता है, इसमें गर्मी भी होती है। तो
आप इसको हाथ से अगर बना रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, मशीन से बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप देखिए कितना लाइट होकर कितना फुलाव आ गया है इसमें। तो ये रिएक्शन होता है सोडा और स्लरी का। अब इसमें अगर आप बहुत सारे अलग अलग आइटम डाल के इसको आप सस्ता कर सकते हैं, और इसमें जैसे डोलामाइट भी पड़ सकता है, नमक भी पड़ सकता है, और इसमें आप अलग अलग आइटम डाल सकते हैं क्लीनिंग एंड फोमिंग के, जिससे कंप्लीट पाउडर आपका वॉशिंग पाउडर बन सकता है। अब ये देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब जैसे जैसे इसको मिलाएंगे ये बहुत हल्की होगी, और देखिए गर्म है, जब मैं उसको नीचे से छू रहा हूँ उसमें काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ध्यान रखें ग्लव ज़रूर पहने। ये सिंपल से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस था कि स्लरी को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं सोडे के साथ। इसमें आप कास्टिक भी डाल सकते हैं, कास्टिक से भी जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। कास्टिक की जो पीएच होती है वो 12 के अराउंड होती है, तो वो भी जल्दी न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन सोडा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमको वॉशिंग पाउडर बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप स्लरी से वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं तो 1 किलो स्लरी में कम से कम 2.5 गुना आपको सोडा ऐश डालना होगा। देखिए ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये वॉशिंग पाउडर का इसने शेप ले लिया है। अब बाकी इसमें और भी आइटम डालेंगे और इसको जब आप केज मिल करेंगे तो बिल्कुल वाइट वॉशिंग पाउडर बढ़िया क्वालिटी का बन जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस जानना है वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, इसके केमिकल्स और क्या क्या पड़ते हैं, कहाँ मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, फ़ोन उठाइए, कॉल करिए या मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं डिस्क्रिप्शन के अलावा भी नंबर आपको फ्लैशिंग स्क्रीन पे आप दे दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी हो। कई व्यूअर्स को लगता है कि नंबर कैसे मिलेगा मेरा, बहुत आसानी से डिस्क्रिप्शन खोलेंगे पूरी चीज़ आपको, मेरा एड्रेस, कंपनी का नाम, नंबर है। नहीं तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे हाइट्रान इंडस्ट्रीज़ टाइप करिए, HITRAN इंडस्ट्रीज़, तो आपको मेरा सारे नंबर्स, एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। लोकेशन गूगल मैप पे पूरा लोकेशन है, ऑफिस तक आपको लेके आएगा। अगर आपको अच्छा डिटर्जेंट बनाना है, सस्ते में बनाना है, सबसे बड़ी बात है कि सस्ते में डिटर्जेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो संपर्क करिए। ये तो एक वन ऑफ द प्रोसेस है, इससे भी आगे की बात है मेरे पास। मेरे पास सोडा शरीर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिससे वॉशिंग पाउडर आप बना सकते हैं और सस्ते में बना सकते हैं। तो कॉल करिए, फ़ोन उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।